संचय और पद एक और पद दो की व्याख्या और संदर्भ देखे थे। आज हम आगे इसी को पढ़ते हैं। पद तीन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद तीन की व्याख्या देखते हैं। तो आप लोगों ने, जिनके पास किताब है वो कृपया अपनी किताब खोलें, और जिनके पास नहीं है वह बहुत ही अच्छे से सुने। अब हम इसका वाचन करेंगे। तो बेहसी लखन बोले मृदु वाणी, अहो मुनि तुम महाभट मानी, पुनि पुनि मोहु देखाव पुठारू, चहत उड़ावन फूं की पहारू, इहा कुम बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जानी। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभी माना, भ्रग से तू समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहो जिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकी रतिहारे, मार तहूं पा परे तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो विलोकी अनुचित कहेऊ क्षमाऊ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब हम इसकी व्याख्या कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं कि इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ क्या है। महाभट मतलब महान योद्धा। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। फिर मही धरती धरा, कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा, और कुम्हर बतिया मतलब बहुत कमजोर, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, और पुलिस का अर्थ होता है कठोर या सख्त, और सरोष का क्रोध सहित। अब इसका इस पद का भावार्थ या व्याख्या देखेंगे कि लक्ष्मण जी ने हंसकर व्यंग वाणी में बोले कि हे मुनीश्वर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं। इसके पहले पद में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी ने उनसे क्या मजाक किया था कि हमने तो बहुत से धनुष देखे हैं, हमको तो धनुष में कोई अंतर समझ में नहीं आता। इस पर परशुराम जी क्रोधित हो गए और बोले अब तो तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी कि आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरा रहे हो क्या? आप तो फूंक से पहाड़ को हिलाना चाहते हो। और यहाँ काशी फल के समान कोई भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते कि आप हमको क्या इतना कमजोर समझ रहे हैं कि फूंक मार दोगे तो हम उड़ जाएंगे, या आप अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो तो हम डर जाएंगे। जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाएगा। मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था, रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। क्या कि आप बहुत बड़े कुलवंशी हैं, भृगुवंशी हैं, और आपने जो ये यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण किया है इसलिए मैं सम्मानवश आपके क्रोध है, आपकी जो बातें हैं वो सुनकर मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, अपने क्रोध पर काबू कर रहा हूँ।
तो देविका, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल किस पर? देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना पड़ेगा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। फिर तो धनुष बाण और धनसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं, मतलब कि आप जो क्रोध में बोलते हैं उससे तो वो इतना ज्यादा अधिक बोल देते हैं कि उसके सामने धनुष बाण और फरसा तो जो आप वो उससे हमको घायल करेंगे या हमको क्षति पहुंचाएंगे उसका काम तो आपके शब्द ही कर देते हैं। हे महामुनि, इन सब को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। यह सब सुनकर रघुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब अगले पद में देखेंगे कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को क्या कहा। अब हम देखते हैं पद चार। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल वश निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अम्बुधि असंकु। कालक वलु होइ छन माही, कहो पुकारि खोरि मोहि नाही। तुम हट कहू जो चाहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष तुम्हारा हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अक्षत को बरने पारा। अपने महु तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहहुँ, जनिर से रोकि दुसह दुख सहहुँ। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहुँ शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आहु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सरोज का मतलब क्रोध सहित, कौशिक मतलब यहाँ पे कौशिक बोला है ऋषि विश्वामित्र को। भानुवंश सूर्यवंशी, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो मनमानी करने वाला, असंकु शंका सहित, घालकु नाश करने वाला, और काल जिससे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, या मृत। अबुधि मतलब ना समझ या नादान। अब इसका भावार्थ या व्याख्या देखेंगे कि अब इसमें क्या परशुराम जी ने लक्ष्मण को उत्तर दिया। परशुराम जी बोलते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर भी अपने कुल का घातक बन रहा है। इसके सामने मैं इतना क्रोधित हूँ, उसके बाद भी यह बच्चा क्या कर रहा है? नादानी कर रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है, क्योंकि यह क्या बचपना कर रहा है। और यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा, क्योंकि अगर विश्वामित्र को क्रोधित हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? लक्ष्मण को काल का ग्रास बना देंगे। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। यदि यह मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष ना देगा, और
यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसको बताकर समझा दो। ये कौन कह रहा है? परशुराम जी किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से, कि इसको हमारे क्रोध और प्रताप के बारे में समझा दो। अगर ये मारा जाएगा तो इसका दोष मुझ पर ना लगे। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है? आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का तो पूरा वर्णन कर दिया, और एक बार नहीं, आपने कई बार अनेकों तरह से अपने यश का वर्णन किया है। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो दोबारा कुछ और कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर योद्धा भूमि में अपनी शूरवीरता के पान करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं बताते। युद्ध भूमि में अपने समान शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की दीन हाका करते हैं और अपना गुणगान, अपने कार्यों का अपने ही मुंह से गुणगान करते हैं। बच्चों, आज ही यहीं पर समाप्त होता है। आप इन सबको कॉपी में लिखेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।